जाबर 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 यही है, यही है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, यही है। सो गाइस, हमारे टीम मेंबर हरीश को कुछ दिखा है, तो देखते हैं गाइस वो क्या है। ये वाइट वाइट राउंड सा क्या हो सकता है गाइस आपके अकॉर्डिंग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मशरूम की तरह दिख रहा है बट मशरूम है नहीं। सो देखते हैं गाइस इसको गौर से और टच करते हैं इसको। गाइस ये तो अंडे की तरह लग रहा है बट इतना बड़ा अंडा या इतना छोटा अंडा किस चीज़ का हो सकता है? छिपकली का तो नहीं है गाइस, नेवले का तो नहीं हो सकता। गाइस नितिन से पूछते हैं और नितिन भाई बताने वाले हैं। गाइस नितिन भाई कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा बट इसके अंदर से वाइट वाइट कुछ अलग सा निकल रहा है, अच्छी पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। सो गाइस इस अंडे को हम खोल के दिखाने वाले हैं। गाइस अंडे का राज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो गाइस मैं आपका दोस्त मनीष पाल दिल्ली नौ से और आज तुम्हारा भाई आ गया है अनदर व्लॉग में। सो गाइस आज हम चलने वाले हैं वोंटा के अंदर। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं और लेते हैं थोड़े बहुत वहाँ के मजे। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ से होंगे राइट और सो गाइस फिलहाल के लिए हमें लेना है यहाँ से राइट और हम हो गए हैं राइट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस हम जा रहे हैं आज वोंटा और गाइस वहाँ करेंगे थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मस्ती, दिखाते हैं आपको। वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस, जब भी आपको मजा आएगा बिकॉज वहाँ हम करने वाले हैं चुलपंती, थोड़ी पागलपंती और दिखाने वाले हैं वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का जंगल। उस जंगल में क्या क्या मिलता है और क्या क्या होता है वो सब दिखाएंगे गाइस। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस, पूरे मजे लेने। तो फिर थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ेगा आपको। सो देरी ना करते हुए बाइक को करते हैं स्पीड अप और थोड़ा सा तेज चलाएंगे इस बाइक को। यार स्प्लेंडर है भाई, थोड़ी तेज चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि यार इतनी ज़्यादा सीसी नहीं है ना इसमें, क्या करें भाई, गरीब लोग हैं यार। सो गाइज फिलहाल हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। ये घना जंगल है, इस जंगल के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी और हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या नया मिलता है हमको। हालांकि मैं बहुत बार आया हूँ उसके अंदर और बेसिकली यहाँ पर लोग बाग मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सारे ही टाइम में आना पसंद करते हैं बट मोस्टली जो पीपल्स हैं फैमिली वाले लोग हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में आना पसंद करते हैं। लोग बाग यहाँ पर इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए आना पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बंदर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, लेकिन प्लस पॉइंट ये है गाइस कि यहाँ के जो बंदर हैं वो किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। केले खिलाइए, बड़े प्यार से खाएंगे और हमारे कुछ भाई जो हमारे साथ चल रहे हैं देख रहे हैं गाइस, मतलब भाई मेस्ट्रो है, मेस्ट्रो उसके मजे ले रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं वोंटा की पार्किंग पर। सो हम यहां करेंगे अपनी बाइक को पार्क और चलते हैं इसके अंदर। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है वोंटा के अंदर। सो हम चलने वाले हैं इसके अंदर और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लाइक क्या क्या है यहाँ पर और इसके अंदर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ की खूबी सबसे बड़ी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर गोल चक्कर पर। ये है यहाँ का मिड पॉइंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो और यहाँ से चार रास्ते जा रहे हैं, जस्ट लाइक कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो निकलता है तिमारपुर की साइड और अगर हम सीधा जाते हैं तो वो सिविल लाइन की साइड निकलता है और अगर हम यहाँ से राइट होते हैं इस साइड की तरफ तो ये हमारा जाएगा हिंदूराव हॉस्पिटल की तरफ और अगर हम इधर की साइड जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर रास्ता निकलता है। सो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से लेफ्ट और चलते हैं जंगलों के अंदर और देखिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग एंड तक देखिएगा गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गाइस इस तरीके के ऐसे और मज़ेदार ब्लॉग्स लाऊंगा मैं गाइस, बट उसके लिए मुझे इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स और कमेंट चाहिए। सो गाइस चलते हैं वीडियो में और दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं वोंटा पार्क के अंदर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक पार्क है और यहां पर घना जंगल है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घना जंगल है गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओ शिट गाइस ये क्या था, आपने देखा कौन सा जानवर था, कैसा जानवर था गाइस? वो तो चला गया यार, पता नहीं क्या था यार, वो समझ में ही नहीं आया। पता है गाइस ये तो मैंने वीडियो में देखा यार, वैसे तो मैंने देखा ही नहीं था। तो चलो चलते हैं गाइस इसी के साथ आगे, हम बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं गाइस क्या हमें मिलने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। रास्ते भी नहीं समझ में आ रहे मुझे सच बताऊं तो, बट हमने बहुत हिम्मत करके हम आ गए इसके अंदर, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो निकलेंगे।
ओए भाई कांटा घुस गया मेरे पैर में गाइस, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा वो कांटा जिसने सीन कर दिया, बट हमने निकाल लिया इसको और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। सो और चलेंगे गाइस थोड़ा सा अंदर, देखेंगे यहाँ पर क्या अलग मिलता है हमें और क्या क्या इस जंगल के अंदर है गाइस। तो बने रहिए व्लॉग में, व्लॉग पूरा देखिएगा गाइस, जब भी आपको पता लगेगा कि क्या क्या इस व्लॉग के अंदर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो गाइस, ये वो चुड़ैलों का साया, ये चुड़ैलों का साया। तो गाइस हम वहां को छोड़ चुके हैं, अब हम आगे जाएंगे। और ये गाइस यही है वो गुफा जहाँ पर लोग बाग बहुत ज्यादा आना पसंद करते हैं यार। भाई यहाँ पर बहुत बुरे बुरे कांटे हैं भाई, यहाँ पर रास्ता हमें मिल नहीं रहा है, हम इस जंगल में खो गए हैं और कांटे हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अफ्रीका के घने जंगलों में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइस, मेरे चारों तरफ घना जंगल है और यहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन हम रास्ता ढूंढ के रहेंगे क्योंकि हमने सोचा है कि आज की तारीख में इस जंगल से निकल के हमें जाना है। सो चलते हैं गाइस इन जंगलों में, और यहाँ हम फिर से रेल गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा सा कि हमें जाना कहाँ चाहिए, बट अब हमको लगता है कि हमें इधर ही जाना चाहिए। तो हम जा रहे हैं भाई भगवान का नाम लेकर के, बजरंगबली हमारे साथ हैं, बाकी देखते हैं ऊपर वाले की महिमा कहाँ लेकर के जाते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं। हमें मिली है यहाँ पर कुछ यूनिक चीजें, जैसा कि हमारे हरीश भाई ने उठाई है, तो देखते हैं ये है क्या। हरीश भाई जरा एक बार उठा करके दिखाएंगे ये सारी चीज है क्या। हरीश भाई फेमस होंगे, हरीश भाई फेमस होने वाले हैं आज। हरीश भाई को क्या मिला है जरा हम जानते हैं इस वीडियो के दौरान। तो हरीश भाई आप वीडियो में दिखाना चाहेंगे कि हरीश भाई मिला क्या है। और भाइयों हरीश भाई को कुछ मिला है, चलिए देखते हैं हरीश भाई के हाथ में क्या है। क्या है हरीश भाई ये आपके हाथ में, क्या आप मुझे बता पाएंगे। हरीश भाई को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या, बट गाइस आपको क्या लगता है, क्या आप मुझे बताएंगे। मुझे छूने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम है। मशरूम की जो है प्रॉपर खेती होती है इसलिए उसे मशरूम कहा जाता है, बट जो जंगलों में होता है उसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं, और ये मशरूम मुझे लग रहा है। तो नितिन भाई से पूछते हैं, नितिन भाई ये क्या है आपके हाथ में। नितिन भाई कह रहे हैं ये मशरूम है, बट हमें कुछ डिफरेंट दिखाई दिया गाइस, इसमें से सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल रहा है। चलिए नितिन भाई इसे खोल के दिखाएंगे जरा कि इसमें है क्या। तो नितिन भाई इसको खोल रहे हैं, ओ शिट ये तो कुछ अजीब सा है, डर्टी सा है, बड़ा ही बेकार है यार, छी समझ नहीं आ रहा गाइस ये है क्या। बट गाइस अब हमें लगता है कि ये शायद सांप का अंडा है। ओ शिट ओ नो, ये हमने क्या कर दिया यार, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई गाइस, ये सांप का अंडा यार, इस मीन्स कि यहाँ पर सांप भी होगा। सो हमें यहाँ से चलना चाहिए देरी ना करते हुए। और भाई के हाथ में ये क्या है, ये तो शंख है यार, बट हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, हमने सांप का अंडा तोड़ दिया है और ये बहुत बड़ी गलती है यार, सावन के महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए। पुड़िया खैनी का नहीं, तम्बाकू का नहीं भाई, हल्दीराम का आलू भुजिया मिला है। तो चलते हैं गाइस, अब देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, लेट्स गो। सो गाइस इसी के साथ हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमें कुछ अलग मिलता है या नहीं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता नहीं है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा झुक झुक के चलना पड़ रहा है। ओ भाई ये क्या सीन है, ये लड़का और लड़की इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं गाइस, समझ नहीं आ रहा। ओ नो ये गलत बात है यार, बिल्कुल गलत बात है, इस घने जंगल में ये लोग क्या कर रहे हैं गाइस। मैं इनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक लड़के और लड़के की इज्जत का सवाल है, बट ये टोटली गलत है। अगर यहाँ पर आपने देखा कि तरह तरह के जानवर है गाइस, अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बट ये अभी बच्चे हैं, नादान है, इनको समझ नहीं है, लेकिन ये टोटली गलत है गाइस। तो हमें छोड़ते हैं कुछ अलग, ये है मशरूम गाइस, ये है जेन्युइन मशरूम, और इसको नितिन भाई उखाड़ के दिखाएंगे आपको बारीकी से कि इसके अंदर क्या है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये केवल मशरूम है, बट प्यारी सी धारियां सी हैं। इसके अंदर छोटी छोटी धारियां हैं जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इस मशरूम को हम खा नहीं सकते बिकॉज ये है वाइल्ड मशरूम।
सो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होगी, तो हम इसको दोबारा से लगाने का प्रयास करेंगे, बट ये खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है और ये फ्लैट हो गया है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम कुछ और दिखाने के लिए, सो लेट्स गो। पेट में लगा सकते हैं। और ये हमारी कुछ छोटी सी टीम है एक, जो कि हमारे आगे आगे चल रही है और फुल एंजॉय कर रहे हैं ये इस राइड को, सो देख सकते हैं आप लोग फुल मजे लेते हुए ये टीम आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए कुछ प्रबंध किया गया हुआ है, इधर की साइड पूरा जंगल दिया गया हुआ है गाइस। और गुलाब के नाम पर धोखा गाइस, सरासर धोखा।